दोस्तों, जब भी भारत में महान हस्तियों की बात आती है तो उसमें सीवी रमन का नाम हमेशा ऊपर ही दिखाई देता है। वो 20वीं शताब्दी में सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक उभर कर सामने आए थे। उनकी जिज्ञासा और सीखने की खोज ने ही उन्हें क्रांतिकारी खोजों की ओर प्रोत्साहित किया, जिस वजह से उन्होंने रमन इफेक्ट जैसी महान खोज की थी। आपको बता दें, वे प्रथम भारतीय एवं प्रथम एशियाई वैज्ञानिक थे जिन्हें विज्ञान का पहला नोबेल पुरस्कार मिला। एक तरह से देखा जाए तो वे एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक भी हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, क्योंकि उनके अलावा भारतीय मूल के जिन दो वैज्ञानिकों हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला है, उन्होंने बहुत पहले ही अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। विज्ञान के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस महान वैज्ञानिक से परिचित न हो। आपको बता दें, साधनहीनता और सहयोग के अभाव के बावजूद उन्होंने जो कर दिखाया वो अपने आप में एक चमत्कार ही कहा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस महान वैज्ञानिक के जीवन और उनके द्वारा की गई खोज के बारे में विस्तार से बात करेंगे। 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचापल्ली शहर में जन्मे चंद्रशेखर वेंकटरमन 8 बच्चों में से दूसरे नंबर पर थे। उनके पिता चंद्रशेखर रामनाथन अय्यर गणित और फिजिक्स के शिक्षक थे। उनकी मां का नाम पार्वती था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। रमन के जन्म के समय उनका परिवार आर्थिक रूप से अस्थिर था, लेकिन जब सीवी रमन 4 साल के हुए तो उनके पिता एक लेक्चरर बन गए, जिससे उनके परिवार के रहने की स्थिति में सुधार हुआ। बहुत छोटी उम्र से ही उनकी शिक्षा असाधारण रही थी। रमन का हमेशा से ही विज्ञान की ओर ज्यादा ध्यान था। जैसे जैसे रमन बड़े हुए, उन्होंने अपने पिता की किताबें पढ़नी शुरू कर दी। बहुत ही कम उम्र में रमन को पढ़ने का महत्व समझ आ गया था। वो अपने दोस्तों से गणित और फिजिक्स की किताबें अक्सर उधार ले लिया करते थे। आपको बता दें, सीवी रमन की शिक्षा स्कूलों में नहीं शुरू हुई, लेकिन बहुत ही जल्द उन्हें विज्ञान के प्रति अपने प्यार का एहसास हुआ, और यही कारण था कि 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी की और 14 साल की उम्र में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपनी बैचलर्स डिग्री की शुरुआत की, और फिर 1904 में ही उन्होंने फिजिक्स और इंग्लिश में मेडल जीतकर एक और टॉपर के रूप में उभर कर सबको हैरान कर दिया। फिर रमन ने अपनी परीक्षा भी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। उस वर्ष पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम आने वाले वे इकलौते विद्यार्थी थे। उन्हें सफलता के लिए कॉलेज ने भौतिक विज्ञान का अर्णी स्वर्ण पदक प्रदान किया। इससे पूरे कॉलेज में रमन की धाक जम गई। एमए के दौरान रमन घंटों अपने एक्सपेरिमेंट में व्यस्त रहते, इस कारण अक्सर वे कई कक्षाओं में अनुपस्थित हो जाते। धीरे धीरे कॉलेज के प्रबंधकों तक ये बात पहुंची। वे लोग रमन की प्रतिभा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने रमन की विज्ञान के प्रति रुचि को और उनके शोध को देखते हुए उनके कक्षा में नियमित रूप से आने के नियम को बदल दिया। रमन ने सुविधा का फायदा उठाते हुए उस दौरान अनेक शोध किए, जिसमें कि वे तरह तरह की आवाजों पर अध्ययन कर रहे थे। उस दौरान रमन ने प्रकाश की किरणों की प्रॉपर्टी के बारे में एक बेहतरीन और नई व्याख्या के साथ निबंध लिखा। उन्होंने उसको अपने भौतिकी के अध्यापक को भी दिखाया और उनसे सलाह मांगी। अध्यापक महोदय ने उस नोट्स को अपने पास रख लिया। रमन ने उन्हें एक दो बार याद भी दिलाया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कोई जवाब नहीं आया। तो रमन ने लेख की दूसरी कॉपी तैयार की और उसे छापने के लिए द फिलोसॉफिकल मैगजीन में भेज दिया। कुछ समय बाद वह लेख उस पत्रिका में प्रकाशित हो गया। यह देखकर अध्यापक महोदय उन पर बहुत नाराज हुए, लेकिन जब अन्य अध्यापकों ने उनसे यह कहा कि आपके लिए गर्व का विषय है, आपके एक विद्यार्थी का खोजपूर्ण निबंध इंग्लैंड की पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, तो वे प्रसन्न हो गए, उनकी नाराजगी दूर हो गई। रमन ने साल 1907 में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उन्हें भौतिक विज्ञान में कॉलेज की स्थापना से अब तक के सर्वाधिक नंबर प्राप्त हुए थे। उनकी इस असाधारण प्रतिभा को देखकर सरकार ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की छात्रवृत्ति प्रदान की। इससे रमन बहुत ज्यादा उत्साहित हुए और उन्होंने लंदन जाने का फैसला किया, लेकिन उनके इस चाहत के बीच उनका स्वास्थ्य आड़े आ गया। डॉक्टर ने कहा कि वो बेहद पतले दुबले व्यक्ति हैं, इस कारण इंग्लैंड की भयानक सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। विदेश यात्रा बाधित हो जाने के कारण रमन ने अर्थ विभाग की परीक्षा में बैठने का निश्चय किया और इसी परीक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार 19 वर्ष की आयु में वे कोलकाता में सहायक महालेखापाल यानी डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल नियुक्त हो गए। नौकरी लगने के कुछ समय बाद मद्रास में सामुद्रिक चुंगी विभाग के सुपरिंटेंडेंट कृष्ण स्वामी अय्यर की पुत्री से उनका विवाह हो गया और फिर उनके दिन ठीक ठाक कटने लगे। हालांकि नौकरी करते समय भी उनकी विज्ञान से रुचि कम नहीं हुई थी। कोलकाता में उन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस के लैब में अपनी रिसर्च जारी रखी। हर सुबह वो दफ्तर जाने से पहले परिषद के लैब में पहुंच जाते थे। वो रविवार को भी सारा दिन लैब में गुजारते और अपने प्रयोगों में व्यस्त रहते। ऐसे कई सालों तक चलता रहा, लेकिन जब उनको लगा कि वो नौकरी के साथ अपने लैब को समय नहीं दे पा रहे, तो रमन ने वर्ष 1917 में सरकारी नौकरी छोड़ दी और जुलाई 1917 में वेंकट रमन ने 29 साल की आयु में साइंस कॉलेज के पालित प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला। कॉलेज में आचार्य बनने के बाद भी वेंकट रमन विज्ञान परिषद से जुड़े रहे और अपने शोध कार्य करते रहे। फिर कई लोगों के मुताबिक तकरीबन साल 1921 में जब सीवी रमन ऑक्सफोर्ड में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर भारत लौट रहे थे, तो उन्होंने भूमध्य सागर के पानी में अनोखा नीला व दूधियापन सा प्रकाश देखा। इससे उनके मन में कई तरह के सवाल उठे और उन्होंने इस पर खोज करनी शुरू कर दी।
कुछ साल बाद ऑप्टिकल्स के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए वर्ष 1924 में रमन को लंदन ऑफ रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया और ये किसी भी वैज्ञानिक के लिए बहुत ही सम्मान की बात थी। फिर एक बार रमन अपने छात्रों के साथ प्रकाश से रिलेटेड कुछ प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने प्रकाश की किरण को एक छोटे से छेद से गुजरने के बाद बेंजीन के फ्लूट पर डाल दिया। दूसरे सिरे पर जब उन्होंने डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रम पर उस पर देखा तो उसमें कुछ असाधारण सी रेखाएं नजर आईं, जिसे देखकर रमन ने महसूस किया कि प्रकाश की किरण वास्तव में कणों की धारा की तरह व्यवहार कर रही है। उन्होंने देखा कि किसी फ्लूइड पर प्रकाश की किरण डालने पर प्रकाश में उपस्थित फोटॉन्स फ्लूइड के एटम्स पर वैसे स्ट्रोक करते हैं जैसे क्रिकेट का बॉल फुटबॉल पर करता है। क्रिकेट का बॉल जब फुटबॉल से टकराता है तो वो कितनी ही गति से क्यों ना उस पर टकराए, लेकिन वो फुटबॉल को थोड़ा सा तो हिला देता है। इस प्रक्रिया में क्रिकेट का बॉल अपनी कुछ ऊर्जा फुटबॉल को देता है और स्वयं दूसरी ओर उछलकर गिर जाता है। रमन ने देखा कि इसी तरह फोटॉन्स भी अपनी ऊर्जा छोड़ देते हैं और छितरे हुए प्रकाश के रूप में स्पेक्ट्रम में कई बिंदुओं पर दिखाई देते हैं, जबकि अन्य फोटॉन्स अपने रास्ते से हट जाते हैं। वे ना तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा ग्रहण करते हैं और ना ही छोड़ते हैं, इसलिए वे स्पेक्ट्रम में अपनी सामान्य स्थिति में दिखाई देते हैं। फोटॉन्स में ऊर्जा की आई हुई ये कमी और इसके परिणाम स्वरूप स्पेक्ट्रम में कुछ असाधारण रेखाओं का उत्पन्न होना ही रमन इफेक्ट कहलाता है। आपको बताते हैं, फोटॉन्स द्वारा खोई जाने वाली ऊर्जा की मात्र उस द्रव रसायन के एटम्स की प्रकृति पर निर्भर करती है। यही कारण है कि अलग अलग प्रकार के एटम्स फोटॉन्स के साथ मिलकर अलग अलग प्रकार की क्रिया करते हैं और इस दौरान ऊर्जा की मात्रा में कमी भी अलग अलग होती है। आसान शब्दों में कहें तो रमन प्रभाव वास्तव में प्रकाश के स्कैटरिंग प्रक्रिया या बिखराव की प्रक्रिया कहते हैं, जो माध्यम के कणों की वजह से होती है। यह बिखराव तब होता है जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है और इस वजह से बदलाव होता है। रमन प्रभाव के अनुसार जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से निकलता है तो उसकी प्रकृति और स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। ये माध्यम सॉलिड, लिक्विड और गैसीय कुछ भी हो सकता है। ये घटना तब घटती है जब माध्यम के एटम प्रकाश ऊर्जा के कणों को छितराकर फैला देते हैं और उसमें एक अलग तरह की रेखा उत्पन्न होती है। और यही वजह थी कि उन्हें समुद्र में नीला व दूधियापन सा प्रकाश दिखाई दे रहा था। रमन का यह महत्वपूर्ण खोज 28 फरवरी 1928 को संपन्न हुई, जिसकी तह तक पहुंचने में उन्हें 7 वर्ष का समय लग गया। उन्होंने जब अपनी ये खोज दुनिया के सामने रखी तो उस समय की सबसे लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका नेचर ने अपने पहले अंक में प्रकाशित किया। उनकी इस महत्वपूर्ण खोज के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। रमन प्रभाव की महत्वपूर्ण खोज के प्रति अपना सम्मान जताने के लिए भारत में 28 फरवरी का दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। उनके इस कारनामे ने भारत को वैज्ञानिक दुनिया में एक नया मुकाम दिला दिया था। जीवन भर सर सीवी रमन देश के अनेक विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में विज्ञान संबंधी भाषण देते रहे। उन्हें वैज्ञानिक बड़ी श्रद्धा के साथ भाषण देने के लिए आमंत्रित करते थे। साल 1943 में सीवी रमन ने अपने प्रयोगों के लिए बेंगलोर के पास रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। इसके बाद जीवन भर वे इसी संस्थान में अनुसंधान कार्य करते रहे। साल 1970 में बेंगलोर में इस महान वैज्ञानिक का देहांत हो गया। युवा वैज्ञानिकों के लिए उनका संदेश था कि अनुसंधान कार्यों में उपकरणों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्वतंत्र विचार और कठिन परिश्रम की जरूरत होती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।